बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने 5 लोकसभा सीटों की क्लस्टर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा और खरगोन की लोकसभा सीटों पर चर्चा की। साथ ही 370 का मूल मंत्र कैसे धरातल पर उतारना है, इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, स्मार्ट होने की जरूरत है, जैसा समाज वैसा स्वभाव जरूरी है। समाज में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका विशेष भाव बताइए, इसका विशेष ख्याल रखें। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी लोकसभा चुनाव के लिए बूस्ट किया। स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मातरम। मैं प्रदेश के संगठन महामंत्री सम्मानी हिंकारन जी भाई साहब, हमारे इस संभाग के प्रभारी राघवेंद्र गौतम जी और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा छिंदवाड़ा सीट भी करीब 5 लाख मतों से जीतेगी। ये चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है। इसमें हर लोकसभा के जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो सब हैं। अभी तक की जानकारी लेंगे कि चुनाव की क्या क्या तैयारी हुई और भविष्य में क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात सही है कि संगठन एक महत्वपूर्ण होता है और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सब संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, जो कि चुनाव की प्रबंधन में जवाबदार कार्यकर्ता है। छिंदवाड़ा जीतेंगे हम, 200% जीतेंगे और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है, 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इंदौर संभाग की खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, इंदौर। फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान मुस्तैद रहने और विपक्षी दलों को कमजोर न समझने की भी नसीहत दी है।